संन्यास लेने के बाद गले मिलकर खूब रोए धोनी और सुरेश रैना। थलाइवा महेंद्र सिंह धोनी और चिन्ना थाला सुरेश रैना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से अचानक संन्यास की घोषणा की। सबके दिमाग में एक ही सवाल गूंज रहा था कि दोनों ने इसके लिए स्वतंत्रता दिवस को ही क्यों चुना, आखिर उन्होंने एक साथ ही ऐसा क्यों किया। 18 टेस्ट, 226 वनडे, 78 T20 खेलने वाले रैना ने कहा, हम दोनों ने पहले से शनिवार को संन्यास लेने की योजना बना ली थी। धोनी की जर्सी का नंबर 7 है और मेरी जर्सी का नंबर 3, दोनों मिलाकर 73 होते। शनिवार को भारत की स्वतंत्रता के 73 वर्ष पूरे हुए तो हमने सोचा कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से विदा लेने का इससे बेहतर दिन और कोई नहीं हो सकता है। धोनी ने 23 दिसंबर 2004 को बांग्लादेश के खिलाफ चटगांव में, तो मैंने 30 जुलाई 2005 को श्रीलंका के खिलाफ दामुला में पहला अंतर्राष्ट्रीय वनडे खेला था। हम दोनों का करियर 15-16 साल का रहा। हमने लगभग एक साथ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलना शुरू किया। चेन्नई सुपर किंग्स हमेशा साथ रहे तो अब संन्यास भी साथ लिया और आगे IPL भी साथ खेलते रहेंगे। दाएं हाथ के बल्लेबाज धोनी और बाएं हाथ के बल्लेबाज रैना को क्रिकेट का जय वीरू कहा जाता है। रैना ने कहा, मुझे पता था कि माही चेन्नई में संन्यास की घोषणा के लिए ही आ रहे हैं, तो मैंने भी खुद को पूरी तरह से तैयार कर लिया था। मैं CSK के चार्टर्ड प्लेन से 14 अगस्त को पीयूष चावला, दीपक चाहर और कर्ण शर्मा के साथ रांची पहुंचा। वहां से माही भाई और मोनू सिंह हमारे साथ हो लिए। हम सब चेन्नई पहुंचे, 15 को हमने संन्यास की घोषणा कर दी। इसके बाद आपस में गले मिलकर रोए और खूब पार्टी भी की। अब हम IPL खेलेंगे ताबड़तोड़ तरीके से, हर गेंद पर अब खुलकर छक्के लगेंगे। भविष्य के सवाल पर रैना ने कहा, अभी आगे 2 IPL है, उसका प्रदर्शन आगे का रास्ता तय करेगा। हर इंसान का एक अपना ओहदा होता है, जैसे माही का है। माही ने जैसे ही संन्यास की घोषणा की तो मैंने भी फैसला कर लिया था कि अब मुझे भी संन्यास लेना है। इसलिए फैसला लेने के बाद हम दोनों साथ मिले और खूब रोए। उसके बाद हमने जमकर पार्टी की। पार्टियां करने के बाद हमने फैसला किया, अब हम अपने आगे करियर के बारे में सोचेंगे। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।